पति पत्नी के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, मैंने नहीं अपने दिलों के लिए रिश्ते निकाल दी। अगर तुम्हारा परमेश्वर से रिलेशन ही नहीं है, तुम खुदा से मिलते नहीं हो, तो तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारा खुदा है वो? वो कहता है ये लोग जो हम तुझसे मेरा धन्यवाद करते हैं, इनके हृदय मुझसे दूर है। जो मुझे धन्यवाद धन्यवाद करने वाले मत बने, उसकी हजूरी में जाए, बुलाए उसे, बैठे उसके साथ। ये जो चीजें तुम्हें रिलीज कर रहा हूं ना, किसी को दर्द हो रहा, भी दर्द हो रही, किसी को दर्द, कोई हाथ में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, कुछ ऐसा दर्द है किसी को? रिमाइंड कराई, दो तीन बार स्वर्ग उतारे, बात हुई, कुछ
कुछ घुटने दर्द की, कुछ कमर दर्द की, बात गंदे की, गंदे पे की बिस्तर पर तीन महीने की जगह वहीं पे लेटना, वहीं बैठना, वहीं बात करना, तो ये चीज चल रही थी। तो मैं सैटरडे सुबह जब यहाँ शिवजी पहुंचा तो मुझे पता यहाँ कोई नहीं होता, तो प्रभु क्या कर, मुझे कहा यहाँ मुझे प्रार्थना कर। लेसन आज भी तुम डेमो कर सकते हो, अगले संडे भी तुम बनाना डेमोस्ट्रेशन दे दूंगा, प्रूव करूंगा ये बात। जब मैं सैटरडे यहाँ सुबह आकर नील डाउन हुआ, इंस्टेंट मैंने देख लिया दो तीन लोग यहाँ उतर आए, और तीनों की प्रेजेंस ये थी, एक यहाँ पे थे और एक यहाँ पे थे और एक यहाँ पे थे। सैटरडे सुबह 6 बजे पर जब मैं नीचे उतरा, आकर मैंने नील डाउन किया, उपवास में था क्योंकि सैटरडे रात को 12-72 घंटे पूरे होने थे, तो मैंने देखा यीशु जी यहाँ खड़े हैं, मेरे ग्रैंड माँ यहाँ खड़े हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर वहां खड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर, परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, वो कोई मूर्त नहीं जो बोलेगा, वो कोई पत्थर नहीं जो बोलेगा, वो मूर्त नहीं जो देखेगा, वो देखने वाला, सुनने वाला और बोलने वाला परमेश्वर है। उसने ट्यूजडे को, मंगलवार को मुझे कहा कि तू 72 घंटे के उपवास में बैठ। मैंने भी जब लिखा है बाइबल कहती 10 कुमारियों की, वो एक वचन पढ़ा जाता स्टोरी, 5 तैयार से 5 के दिए में तेल लेना, मींस तैयारी क्या है, खुदा तुम्हें कभी भी बुला सकता है। इन्हें मैसेज दिया गया कोलकाता वालों को, तो शायद कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ ने लगा होगा कि झटपट कैसे चेक करें, परमेश्वर झटपट ही आएगा और झटपट लेकर चला जाएगा, तुम्हें टाइम नहीं देगा। लास्ट संडे परमेश्वर ने कहा था 19 संडे है ना, मसा रिलीज कर देना। तब आपने देखा असम से, असम पुलिस में क्या नाम उसका, संग्राम, पुलिस वाला वो जो आया था यहाँ, मसा रिलीज होते थे तो कैसे रिसीव करता था, अभी टच नहीं होता ना, वहाँ बहुत चला जाता था। और जब मैं असम जाऊँगा तुम लाइव देखना वहाँ क्या होगा, यहाँ रिसीव करने वाले लोग होंगे, यहाँ तैयारी होगी, वहाँ आत्मा और झुंबस से काम करता है। तुम शायद खाना पीना खाकर, मुझे लेकर सुबह मैं बहुत वीकनेस फील कर रहा था, खड़े नहीं हो पा रहा था क्योंकि 72 घंटे जब हम तीन रात खाना नहीं खाएंगे, घूमे फिरेंगे नहीं, की जगह रहेंगे, तो शरीर में वीकनेस आती। तो मैं फील कर रहा था यीशु मसीह 40 दिन कैसे भूखे रहे, हम सारी डिमांड रखते हैं यीशु के सामने, सारी ख्वाहिश रखते थे प्रभु ये वो, हमारे बाप का नौकर थोड़ी कि वो हमारे मांगने से देता चला जाए, उसको पाने के लिए पुलिस में है 46-46 हजार सैलरी है इसकी, इसे पसंद क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम करे। तुम बड़ी आसानी से बातों को भूल जाते हो, तुम लाइटली लेते हो इस मसा को, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये वो मसा है जो तुम्हें संसार में इज्जत दिलाएगा। वहां की मिनिस्ट्री से न रहे, वहां का चर्च से न रहे, वहां की कलीस से पड़े, वहां इनके परिवार में आशीष हो, इनके बिजनेस, इनके जॉब में आशीष हो। राबासे देना संदना मुश्य देने देखे 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 रखा रखा विधायक कलकत्ता से जो लोग आए हैं और जिस मसा को लेने हैं वो मसा देख कर जाए, परफेक्ट वर्ड इनके मुख से काम करे, ये बेटियां सेम ना रहे पिता, इनकी सोच सेम ना रहे। और राबासे Yes, sir!
주를 보여달라. 평생 예수님 평생
से रिलीज करना हमारी।